अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंजर्स कुकिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज मेरे किचन में बन रहा है स्पाइसी चिकन तवा बोटी। तो चलें तवा बोटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो देख लेते हैं। हाफ के जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने स्लाइस की शेप में कट कर लिया है बारीक बारीक, 1 लेमन है मेरे पास, 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर से बीज निकाल कर इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 टेबल स्पून है मेरे पास हरा धनिया, 1 टेबल स्पून है मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून है मेरे पास नमक, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच है मेरे पास टर्मेरिक पाउडर। तो चलिए अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक तवा ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला तवा नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा रोटी वाला तवा भी ले सकते हैं। इसमें आप डाल दें 1/4 कप ऑयल और इसे गरम कर लें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐड देंगे इसमें अपना चिकन और इसे साथ में मिक्स कर लेंगे। चिकन का जो कलर है वो हमें चेंज करना है, वाइट कर लेना है। तो ये देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। मसालों के साथ हम इसको कर लेते हैं। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी बीच में मिक्स हो चुके हैं। अब हम कर देंगे इस पे लेमन स्क्वीज, जो हमने लेमन का जूस डालना था वो डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर, हरी मिर्चें, तो जी इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जी तो व्यूवर्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम करते हैं इसका कवर रिमूव। और ये देखिए रेडी है हमारी तवा बोटी। फ्लेम करते हैं अब हम ऑफ और इस पर डालते हैं हम हरा धनिया। सो रेडी है हमारी चिकन तवा बोटी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।